हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 22। अगली सुबह प्रिया कॉलेज जाने को रेडी हुई। वो आद्विक के साथ कार में बैठी थी। प्रिंसेस, आज हम शॉपिंग पर चलेंगे, ओके? प्रिया गाड़ी में ही उछलते हुए, वाओ बहुत मज़ा आएगा, और फिर बाहर डिनर पर भी जाएंगे। यस, मैं पार्थ को भी बोल देता हूँ। प्रिया की सारी खुशी गायब हो गई। वो गुस्से से आद्विक को घूरने लगी। आद्विक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, क्या कोई सामान उठाने वाला भी तो होना चाहिए, आप हो ना? आद्विक इनोसेंट फेस बनाकर, मैं? देखो मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। रहने दो, आप उन्हीं के साथ चले जाओ। प्रिया का कॉलेज आ जाता है। वो आद्विक की तरफ बिना देखे सीधा गाड़ी से उतर जाती है। वो बाहर खड़ी होती है तो हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, पर उस पर एक भी बूंद नहीं आई। उसने ऊपर देखा तो आद्विक ने उसे अपने कोट से ढका हुआ था। प्रिया ने उसे गाल पर किस किया, पर गुस्से वाला मुंह बनाए रखा और उसके लिप्स पर हल्का सा अपने लिप्स टच करके चली गई। आज पहली बार वो ऐसे गई थी। आद्विक उसके पीछे जाने लगा कि गेट पर दो लड़के प्रिया को देख के सीटी बजाते हैं। प्रिया उन्हें इग्नोर करके जाने को थी कि वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहला लड़का, उफ क्या माल है यार। हाँ यार, क्या बनाया है भगवान ने। देखो आप लोग मुझे परेशान मत करो, वरना। वरना क्या? वो लड़के प्रिया के पास बढ़ने लगे। प्रिया पीछे हटने लगी। प्रिया की आंखें बंद थी। जब प्रिया ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वो दोनों लड़के वहां नहीं थे। प्रिया भागकर बाहर जाती है। उसे पता था आद्विक उससे मिले बिना नहीं जाएगा, पर आद्विक भी जा चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अब प्रिंस मुझसे नाराज हो जाएंगे क्या? मैं क्या करती? वो मेरे सामने किसी और को अटेंशन देंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। आने दो, बहुत पनिश करूंगी। प्रिया कॉलेज में एंटर हो जाती है और जाते ही दर्शन को ढूंढने लगती है। दर्शन अपनी क्लास में लेक्चर ले रहा था। वो बीच क्लास से ही उसे ले जाती है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और टीचर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रिया से कुछ कही। दर्शन बहुत खुश था। प्रिया और दर्शन कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, तभी प्रिया गुस्से में बोली, खुद को समझते क्या है, हमेशा ऐसा करते हैं। और वो नौकर, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। वो मेरे प्रिंस को मुझसे छीनना चाहता है। उसकी नजर शुरू से उन पर है। आज पार्थ भाई की वजह से उनकी और मेरी लड़ाई हुई है। मैं पार्थ भाई की चटनी बना दूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरे प्रिंस को मुझसे अलग करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। प्रिया को देख के ऐसा लग रहा था जैसे पार्थ यहाँ होता तो प्रिया उसका कत्ल कर देती। दर्शन डरते हुए कहता है, तो इसलिए तुमने मुझे बुलाया? हाँ, अब प्रिंस के बारे में बात किससे करती? दर्शन प्रिया को पानी का ग्लास देता है जिसे वो एक सांस में कटक जाती है। दर्शन ये देखकर मन में कहता है, ये इस वक्त इनोसेंट कम और दुर्गा का दूसरा रूप लग रही है। दर्शन क्लास का बहाना करके खिसक जाता है। प्रिया आद्विक को कॉल करती है। आद्विक कॉल पिक नहीं करता। आज पहली बार ऐसा हुआ था। प्रिया लगातार 10-15 बार ट्राई करती है तो फोन आउट ऑफ रिच आता है। आज प्रिया का पूरा दिन उदास जाता है। उसका दिल कहीं नहीं लगा। फ्लैशबैक, जब गुंडे प्रिया को छेड़ रहे थे, आद्विक वहां आ गया, पर वो प्रिया के सामने अपना असली रूप नहीं लाना चाहता था। वो उन बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है जो वहीं आसपास थे, और जब प्रिया ने आंखें बंद की तो वो गार्ड्स आकर उनका मुंह दबाकर उन लड़कों को ले गए। फ्लैशबैक एंड। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज आद्विक बहुत बिजी रहेगा, इसलिए प्रिया का फोन तक नहीं उठा रहा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में पार्थ एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की एटीट्यूड से बोली, अगर चलना नहीं आता तो चलना छोड़ दो। पार्थ भी गुस्से में बोला, अगर बोलना नहीं आता तो बोलना छोड़ दो। तुम अमीरजादे अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? तुम्हारे बाप की जगह नहीं है ये। हे यू, माइंड योर टंग, और पता है किससे बात कर रही हो? अभी धक्के मार के निकाल दूंगा, समझी? बॉस हूँ मैं इस ऑफिस का, पार्थ मल्होत्रा। नाम पता ही होगा? पार्थ अकड़ते हुए बोला, तो मेरा नाम भी पीहू है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ? वो गुस्से में बोला। पीहू स्माइल करती है और उसके करीब जाने लगती है। पार्थ असहज होकर पीछे कदम लेने लगता है। अरे आपको तो पसीना आ रहा है। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगी। पार्थ पीछे होते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही? क्या किया है मैंने सर? पार्थ दीवार से लग गया। पीहू उसके करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, परफ्यूम बदलो अपना। हाँ क्या? सुनाई नहीं देता? परफ्यूम बदलो अपना, मरे हुए चूहे से भी गंदी बदबू आ रही है। ये कहकर वो एटीट्यूड से चली गई। इसको तो मैं देख लूंगा, आखिर मैं भी माफिया हूँ।
कोई इज्जत ही नहीं है। वहीं प्रिया अब भी भरी पड़ी थी। वो पार्थ की बैंड बजाने वाली थी और आदिक से मिलने के लिए तड़प रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।